भारत देश में कृषि कानून का विरोध जहां किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के साथ मिलकर आवाज बुलंद कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपना विरोध जाहिर करने के साथ इस कानून को वापस लेने के लिए मांग करती हुई दिखाई दे रही है। सोमवार को उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव भारतीय त्यागी के रामगंगा विहार स्थित अपने कैंप कार्यालय से भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर कचहरी पर जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए निकली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी महिलाओं को रोक लिया और सभी से अपील की कि आप अपना ज्ञापन यहीं पर ही दे दें। जिसके बाद उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महासचिव भारतीय त्यागी के साथ सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया और कचहरी की ओर जाने के लिए नारेबाजी करते रहे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और जाम जैसी स्थिति भी क्षेत्र में पैदा हो गयी। मौके पर पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर ने उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सभी सदस्यों का समर्थन किया और कचहरी की ओर जाने के लिए कुछ करने लगे। पुलिस ने रोक कर ज्ञापन देने के लिए कहा। काफी देर के बाद उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव भारतीय त्यागी ने अपना मांग पत्र एसीएम को सौंपा, जिसके बाद सभी से वापस अपने कार्यालय में जाने के लिए अपील भी की। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद गुम्बर ने कहा, किसानों के हित में, किसानों के हित में नहीं, हमारा अन्नदाता परेशान है और हर देश के नागरिक को जागरूक होना चाहिए। पार्टी की कोई बात नहीं है, इस्टम कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। हिंदुस्तान का हर नागरिक किसी भी पार्टी का हो, इस्टम किसान के हित में घर से बाहर आना चाहिए। किसान रो रहा है, अन्नदाता रो रहा है, भगवान के आंखों में अगर आंसू आएगा तो देश में त्राही त्राही होते हैं। आज कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश पूरे यूपी के अंदर सड़कों पे हैं। मेरे साथ कांग्रेस की प्रदेश की महासचिव गायत्री त्यागी जी के नेतृत्व में, आपके भारती त्यागी जी के नेतृत्व में, आपके हिरम गिरी जी के नेतृत्व में, तबस्सुम के नेतृत्व में आज जो महिलाएं सड़कों पर आई हैं, इसका एक संदेश मुरादाबाद में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग अन्नदाता से पीड़ित हैं। अन्नदाता अगर फसल नहीं उगाएगा तो महिलाओं की किचन में खाना कहाँ से आएगा? खाना बनाने के लिए हम रोज सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं और जो हमारे अल्लाह ताला हैं उनके लिए वो बर्तन नमाज पढ़ते हैं कि हमारी किचन हरी भरी रहे, हमारे परिवार के बच्चे फूले फले, परिवार के बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा किसान खुश हो। आज पुलिस ने आपको कहाँ रोक लिया है? पुलिस की ताना चाहिए। अभी एक हमारी महिला ने नारा लगाया था, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। पूरी रात को आपको मतलब नज़रबंद कर दिया। जैसे ही मुझे पता चला कि भारतीय त्यागी को पुलिस ने नज़रबंद कर दिया, मैं यहाँ का उसम जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं यहाँ तुरंत आया उनके साथ मिला। और आप देखिए, आपके साथ जुलूस लेके कलेक्टर जा रहे थे या बल दल के साथ उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महासचिव भारती त्यागी ने कहा, हम भारत बंद किसानों के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। मैं इसमें ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं प्रदर्शन में आई हूँ। मैं एक पहले एक बहू हूँ किसान की, एक बेटी हूँ किसान की, तो मैं अपने परिवार के साथ खड़ी हूँ, ना कि मैं किसी पार्टी के साथ खड़ी हूँ। मगर हमें जाने नहीं दिया गया। देखिए आप, पूरी भीड़ है कितनी, हमें आगे जाने नहीं दिया, हमें यहीं पर रोक दिया गया है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप बताओ? क्या हमें किसानों के साथ नहीं देना चाहिए? हमें अपनी आवाज़ आपका ज्ञापन कहाँ पर लिया गया है? ज्ञापन अभी चौराहे पे ही ले लिया गया है, हमें घर से आगे तक नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग। आपकी मांग क्या थी? हमारी मांग ये थी कि जो किसान बिल पास हुआ है उसको कैंसिल कराना चाहिए और किसानों को न्याय देनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, जिनका उद्देश्य ये है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए।